हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड रचना शर्मा। आज हम लोग बनाएंगे ग्वारफली करी। तो चलिए देखते हैं बहुत ही आसान सी रेसिपी ग्वारफली की सब्ज़ी। सबसे पहले हम ग्वारफली को इस तरीके से छोटे टुकड़ों में काट करके धोकर और पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर उबालेंगे लगभग 12 मिनट के लिए। तो ग्वारफली को उबाल कर मैंने एक साइड रख लिया है और दूसरे साइड ये पैन गरम किया है। इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है और इसमें अब हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे और हींग 1 पिंच डाला है मैंने। और इसके बाद हम लोग ग्रेट किया हुआ जो प्याज है वो डाल देंगे। मैंने मोटा मोटा सा ग्रेट कर लिया है प्याज को और इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे तेल में। इसे हमें 1-2 मिनट के लिए कुक कर लेना है हल्का सा गुलाबी होने तक। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और 4-5 लहसुन की कलियाँ लेकर के पेस्ट बना लिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और उनकी क्वांटिटी भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं ड्राई मसाले ऐड कर रही हूँ। मैंने हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर ऐड किया है। इसके बाद मैं हल्का सा नमक ऐड कर रही हूँ ताकि जो प्याज है और आगे जो हम लोग ऐड करेंगे प्यूरी वो थोड़ी जल्दी पके। और इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम लोग आपस में। अब यहाँ पर मैंने ये टमाटर की जो प्यूरी बनाई थी उसे ऐड कर दिया है। तो ये सारे पेस्ट को हम लोग मिक्स कर देंगे बाकी मसालों के साथ में अच्छे से और फिर इसे हम ढक कर के कुक करेंगे तब तक जब तक कि तेल जो है इन सारे मसालों से अलग नहीं होने लग जाता पैन में। और ये देखिए मैंने यहाँ पर ग्वारफली को उबाल करके ले लिया है और ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुकी है। मैंने इसे लगभग 11 से 12 मिनट कुक किया था और ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो गई है। तो इसे छान कर मैंने अलग ले लिया और ये देखिए इसे मैंने पकाते हुए 11 से 12 मिनट लगभग हो चुके हैं और ये अच्छे से पक गया है अभी। तो अब हम लोग इसमें दूसरी मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है कलर के लिए, ये ऑप्शनल है। अच्छे से मिक्स कर दें आप इसे। इसके बाद हम लोग नमक ऐड करेंगे यहीं पर। स्वाद के अनुसार नमक आप ऐड कर दीजिए जितना आपको पसंद है सब्ज़ी में या क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो सारी चीज़ों को मिला लेने के बाद 1 मिनट और कुक किया है मैंने। और अब यहाँ पर मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया है, बड़े कप से आधे कप। और पानी आपको उतना ऐड करना है जितना कि आपको ग्रेवी जैसी पसंद हो, बहुत पतली या बहुत गाढ़ी जिस तरीके की पसंद हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर अब उबली हुई ग्वारफली जो ली थी हमने वो ऐड कर दी है और अब हम अच्छे से इसे मसाले के साथ मिक्स कर देंगे और फिर हम इसे कुक करेंगे ढक करके 5 से 7 मिनट तक सारे मसालों के साथ में, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं ग्वारफली के साथ में और कुक हो जाए। बहुत ही अच्छी सी और आसान रेसिपी है फ्रेंड्स और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, इस सब्ज़ी का। आपको एक बार आप बनाकर खाएंगे तो बहुत ही पसंद आएगी, फिर बार बार बनाएंगे। तो ढक करके मैंने यहाँ पर इसे लगभग 7 मिनट कुक कर लिया है और ये देखिए अच्छे से सारी चीज़ें आपस में मिल गई हैं। लास्ट में मैं गरम मसाला ऐड कर दे रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर देंगे गरम मसाले को सारी चीज़ों के साथ में। और बहुत ही शानदार लाजवाब सब्जी बनी है। आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो चपाती के साथ भी। और कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा ऐड कर देंगे लास्ट में खुशबू और टेस्ट के लिए। और फिर इसे मैं इसमें जो है एक लास्ट में इंग्रेडिएंट ऐड करना है और वो ही जो है बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ा देगा इस सब्ज़ी का।
तो हम जो है इसमें थोड़ा सा लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच भुना हुआ जो मूंगफली होती है उसका दरदरा पिसा हुआ पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी हो जाती है सब्ज़ी, इसे ऐड करने के बाद में और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, क्रंची सा। और ये देखिए मिक्स कर लिया है मैंने और इसे एक बोल में निकाल लिया है। तो हमारी ग्वारफली करी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।